हमेशा जवान कौन नहीं रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो हमेशा यंग दिखे, उसकी जो उम्र है वो जितनी है उससे कम दिखे, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, हमेशा उसकी एनर्जी जो है वो हाई रहे, ऐसा हर कोई चाहता है। लेकिन जब आपके आंखों के नीचे या आंखों के सराउंडिंग काले घेरे होने लगते हैं, जब स्किन जो है वो डल होने लगती है, जब एनर्जी लेवल कम होने लगती है, तब ये जो सपना है ये बिखर के रह जाता है और उम्र जितनी है उससे ज़्यादा लगने लगती है। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, अगर आपकी उम्र जितनी है उससे ज़्यादा दिखने लगिए तो क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा, आप लो कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर दोगे, लोगों के बीच में जब आप जाते हो तब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगने लगेगा, उनसे बात करते वक्त, उनसे मिलते वक्त जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में ऐसी 8 बातें, ऐसे 8 फार्मूले शेयर करने वाला हूं, अगर इन 8 बातों को आप आपके ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अगर इन 8 चीज़ों को आप आपके लाइफ का एक पार्ट बना देंगे, तो डेफिनेटली आपकी एज जो है वो जितनी है उससे कम दिखने लगेगी, आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो आपको 2 चीज़ें करनी है, पहले तो जब मैं ये 8 फार्मूले आपके साथ में शेयर करूँगा तब आपको ये देखना है कि इन 8 में से आप कितने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, आपका स्कोर कितना है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि इन 8 चीज़ों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी काम आप कर रहे हो उनको बाजू में रखिए और इसको पूरा ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी, ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एज कम करने का फार्मूला है क्या, आइए समझते हैं। 1, मैनेज योर स्ट्रेस। हर जिम्मेदार इंसान के जिंदगी में तनाव यानी कि स्ट्रेस होता ही है, जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी उतना ज़्यादा स्ट्रेस निर्माण होता है। आप देखिए, जो लोग जिम्मेदार नहीं होते, कुछ पागल लोगों को आप देखिए, कुछ मेंटली रिटार्डेड लोगों को आप देखिए, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके कंधों पर जिम्मेदारी है तो तनाव जरूर आएगा, और यहीं पे ये फार्मूला काम करता है कि आपको इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सीखना है, आपको मेडिटेशन करना है, रोज कम से कम 10 से 15 मिनट शांत एकांत जगह पे बैठ के आराम से आंखें लगा के मेडिटेशन कीजिए। आप जिस भी टेक्निक से करना चाहते हैं, मेडिटेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आप जिस भी प्रकार से करना चाहते हैं, अगर आप ओंकार भी करते हैं, आराम से बैठ के आंखें बंद करके आप सिर्फ 10 मिनट अगर ओंकार भी करते हैं तो भी आपका स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। ये आपको सबसे पहले चालू करना है, रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु लाइक यू, हु लव यू, हु अप्रिशिएट यू। ऐसे ही लोग आपके आसपास होने चाहिए जिनको आप पसंद करते हैं और जो आपको पसंद करते हैं, आप जिनके साथ रहना चाहते हैं और जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं और जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने अगर कुछ अच्छा किया तो आपकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, वाओ शाबाश मेरे दोस्त, क्या बढ़िया काम किया है। ऐसे ही दोस्तों के साथ, ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ, ऐसे ही फैमिली मेंबर्स के साथ हमेशा रहिए। फार्मूला 3, ईट लेस ईट हेल्दी, कम खाइए। आपको एक राज की बात बताता हूँ, बढ़िया हेल्थ रखने के लिए बहुत खाना ज़रूरी नहीं है, जो लोग कम खाते हैं वही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। इसलिए कम खाइए, क्वांटिटी कम रखिए, लेकिन आराम से खाइए, चबा चबा के खाइए, और हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाइए। अब हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें कौन सी है, बहुत ही सिंपल है, जो पेड़ से ज़मीन से डायरेक्टली निकलती है, फ्रूट्स है, फल है, सब्जियां है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और जो फैक्ट्री से आती है उनको मत खाइए। प्लांट से जो निकलती है, जो प्लांट से बनती है, डायरेक्टली आप प्लांट से जो लेते हैं वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और जो फैक्ट्री से आती है उनको बिल्कुल भी मत खाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला, बी क्रिएटिव एंड एक्टिव। हमेशा क्रिएटिव रहिए, कुछ तो नया कीजिए। ज़रा सोचिए,
आपने आपके काम में कौन सी नई चीज़ पिछले हफ्ते, दो दिन पहले, एक दिन पहले की है। कुछ तो नया कीजिए, कुछ तो नया कीजिए। आपको पता है जो लोग रूटीन काम करते हैं, वही काम करते हैं रोज, सुबह से लेकर शाम तक वही वही काम रिपीट करते हैं, वो लोग ज़िंदगी से बोर होने लगते हैं, उदास ज़िंदगी बन जाती है। कुछ तो नया कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं कुछ नया करके देखिए, कुछ रिस्क लेके देखिए। इससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपके ब्रेन को काम पे लगाइए। नहीं कुछ तो कुछ किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, बुक्स को पढ़िए, दिमाग को एक्टिवेट कीजिए। जिस तरह से हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, उसी तरह से दिमाग की एक्सरसाइज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग को काम पे लगाइए, इससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी और आपकी एज जो है, आपकी उम्र जो है, ऑटोमेटिकली कम दिखने लगेगी। पांचवा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, मेरे एक दोस्त के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ही वो ऑफिस से घर पे आता है, ऐसे एकदम बैग लेके ऑफिस से वो घर पे आया, सीरियस दिखता है आते वक्त, लेकिन वो बैग घर पे रख देता है, कपड़े चेंज कर लेता है। उनकी एक रूम है, उस रूम में वो अपने बच्चों को भी बुला लेता है, उसकी वाइफ, बच्चे ज़बरदस्त गाना लगाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस कीजिए रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट, दो गाने लगा के ज़बरदस्त डांस कीजिए। और कोई अच्छी पोज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसा लगे हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, बस डांस कीजिए। आप करके तो देखिए, आपकी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ जाएगी और जैसे ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी एज भी कम दिखने लगेगी, आपके स्किन पे ग्लो आने लगेगा। फार्मूला नंबर 6, गो टू स्लीप अर्ली, जल्दी जाइए सोने के लिए, बहुत लेट मत कीजिए। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसकी बजाय जल्दी जाके सो जाइए। आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, उनकी एनर्जी अच्छी रहती है, उनकी बॉडी अच्छी रहती है, उनके स्किन पे ग्लो रहता है। इसकी प्रैक्टिस चालू कीजिए। 7वीं चीज़, ऐड मोर विटामिन्स टू योर डाइट। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स खाइए, विटामिन ई, विटामिन सी आपके शरीर में अच्छे मात्रा में जाना ही चाहिए। तो कौन से फल है, कौन सा फूड है, इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, विटामिन सी और विटामिन ई के ऊपर, आप वो ज़रूर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी और ई कंज्यूम कीजिए ताकि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट रहे ज़्यादा प्रमाण में, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी अच्छी रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे और आपके चेहरे पे हमेशा ग्लो रहे। 8वीं चीज़ आपको करनी है, पानी पीजिए, भरपूर पानी पीजिए। पानी आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर जो है वो ज़्यादातर पानी से बना हुआ है, तो इसलिए पानी का प्रमाण अच्छा रखिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीजिए। एक साथ अगर आप पानी नहीं पी सकते हैं तो टेबल पे बॉटल रखिए, घोट घोट पानी पीजिए और ख़ुद को हमेशा हाइड्रेट रखिए। तो ये थी वो 8 बातें। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इनमें से कितने फार्मूलाज के ऊपर काम करते हैं, आपका स्कोर क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि इनमें से कितनी बातें आप करते हैं आपकी ज़िंदगी में, और कौन से फार्मूले इस वीडियो को सुनने के बाद आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको बहुत काम का लगा है, आपको कुछ भी इससे फ़ायदा हुआ है, तो डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को आप ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले अच्छे अच्छे नए वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।